देखो मेरे घर के नए फूल पिटूनिया, ये रेड वाइट और येलो, सॉरी पर्पल वाइट की शेडिंग, ये प्योर वाइट। और कितनी अच्छी ग्रोथ आई है, देखो सब में फूल आ रहे हैं, कलियाँ आ गई हैं सब में। ये वाइट, ये एक पर्पल वाइट की दूसरी शेडिंग, और ये दूसरा है। ये देखो कितने अच्छे से हैंगिंग बास्केट में लगा है। ये एक रेड वाइट का नया है, ये देखो ये भी, ये ऐसे है शेडिंग इसमें, ये पर्पल वाले, ये देखो ऐसे वाले बास्केट में लगा के रखे हैं हैंगिंग में, ये पर्पल कलर का। देखो कितना अच्छा फूल खिला है, प्लेन है ये पर्पल सिंगल, और ये हाइब्रिड, ये खिलने वाला है कि बहुत सुंदर शेड आने वाला है इसका भी। ये देखो अभी कलियाँ हैं, ये फूल के ख़त्म हो चुका है। और ये वाइट वाला जो कि इतने अच्छे से फूल रहा है, इसमें पूरा वाइट है, इसमें मिक्सअप है। ये एक लाइट पर्पल, और ये देखो एक ये कलर, ये डार्क मर्जेंटा कलर, ये एक और पर्पल कलर का। ये देखो ये सब फूल कितने सारे खिल रहे हैं, देखो आज बादल के कारण फिर भी दिख नहीं रहा है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कलर है, और खूब सारी फ्लावरिंग कर रहे हैं। करंटुला, ये डार्क फ्लावर देखो, ये डहलिया 70, ये देखो ये डहलिया के साइज़ की रहती है। ये इसकी साइज़ देखो कितनी बड़ी है, ये डहलिया 70 वाइट है, येलो एक, ये येलो, ये देखो इसकी साइज़ ही एक फूल का साइज़ इतना बड़ा है। ये रेड और हल्का पिंक और येलो में, और ये देखो ये कितने सुंदर खिले हुए हैं। ये वाइट एडिनम, इसमें फ्लावरिंग आई चल रही है, एक एक कलंचू, इस कलंचू में भी सुंदर सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। ये देखो इस कलंचू में कलियाँ आ रही हैं, ये रेड वाली, ये एक छोटा खिला है, ये ऑरेंज कलर का कलंचू है। ये देखो ये 70, ये देसी वैरायटी, येलो कलर, एक ही हल्का सा गोल्डन, ये इससे लाइट गोल्डन, ये वाइट, ये इधर भी है वाइट, वो एक और एडिनम है, उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये पेंजी, ये देखो ये पेंजी, इसके बहुत सारे पांच कलर हैं मेरे पास पेंजी के। ये येलो कलर, मेरा हाइब्रिड जरबीरा, ये लेडी ने में पूरे फूल खिल के ख़त्म, अब झड़ने लगा। ये रोज़ में फ्लावरिंग शुरू हो रही है, ये पिंक कलर का जरबेरा, ये येलो जरबेरा, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड, डेंथस, डार्क पिंक, लाइट पिंक, ये लाइट पिंक, ये पिंक में शेडिंग, ये भी डार्क लाइट, ये रिंका, देखो तीनों एक कलर के हैं। ये एस्टर में, ये रानी कलर है, ये पिंक लाइट पिंक, ये वाइट कलर, ये देखो। और ये रोज़, देखो शेडिंग कितनी सुंदर शेडिंग, ये इसकी शेडिंग, ये ऑरेंज में येलो वाइट की शेडिंग है, ये वाइट में पिंक वाइट की शेडिंग है, ये पिंक वाला हाइब्रिड रोज़। ये देखो ये कितना सुंदर, ये मेरा मिर्ची का पौधा, कितना सुंदर फला है, देखो साइज़ बहुत छोटी है। ये देखो ये है इसकी, और ये इसकी फुल साइज़ है, ये देखो ये पकने भी लगे, ये देखो ये एकदम छोटी छोटी, ये मेरे इस उंगली से नाप के बताऊँ, ये देखो इतनी इतनी, ये मेरा नाखून भी इससे बड़ा है, ये देखो। अरे मेरा हैंगिंग का, हैंगिंग बास्केट, ये देखो ये थनबूजिया, ये गोल वाली मिर्ची, ये गोल 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 फली हुई है, देखो इसमें और मैं लगा के रखी हूँ, फ्लावरिंग शुरू हो रही है। ये वाइट रोज, ये देखो ब्लैक लेडी, ये इसमें येलो की शेडिंग है, ये देखो
ये जब गर्मी का दिन आएगा तब इसमें पूरी येलो की शेडिंग आती है, जैसे ये शेड आई है ना ऐसे पूरी पत्तियों में शेडिंग रहती है। ये देखो इसको ब्लैक लेडीज, कितना सुंदर फूल खिला और कितने दिन हो गए, पूरा सूख गया है लेकिन फूल नहीं झड़ रहा है। ये देखो और इधर अब मेरे डहलिया तैयार हो रहे हैं। ये देखो डहलिया में फ्लावरिंग शुरू होने वाली, अभी पौधे स्टार्ट हुए हैं लगाने के लिए, कुछ में कलियाँ आई हुई हैं कुछ बचे हुए हैं। ये एक मेरा हैंगी, ये देखो ये भी, ये देखो कितना अच्छा हैंगिंग बास्केट में, ये और ये आर्किड, ये देखो ये एक आर्किड लगा के रखी हूँ, ये दिख रहा है, ये भी एक मेरा आर्किड का पौधा है। ये देखो इसको पानी कम चाहिए इसलिए मैं इसको पेड़ में टांग के रखी हूँ, ये बहुत बड़ा आम के पौधे में लगा हुआ है। ये वाइट रोज़, देखो ये वाइट रोज़ है, कुछ फूल के ख़त्म हो गए हैं, ये सूख गए हैं। ये बेल वाली गुलाब है, ये देखो कितने अच्छे से बेल में लगे हैं और हर एक के बाद फूल आने लग जाते हैं। ये बेबी सन रोज़, ये देखो ये बेबी सन रोज़ का प्लांट, और ये दो मेरे मॉली एंड जैक, ये देखो इनका नाम, ये वाइट वाली मॉली है, ब्राउन वाला जैक, अच्छे से रह रहे हैं लोग, इनके इसमें काट के मच्छर आ गया है, ये डेढ़ डेढ़ महीने के हैं अभी लेबराडोर। देखो कितने अच्छे से इतने सारे फूल खिले हुए, इतना सुंदर लग रहा है, आज तो धूप नहीं है, बारिश जैसे बादल आए हुए हैं, एकदम से बारिश हो गई है। एक वो मैं लगा के रखी हूँ गेंदे के बीच के लिए, टांग के माला बना के टांग दी हूँ ताकि बीच कंप्लीट हो जाए। ये है मेरा एडीनम, इसमें देखो सीड पॉट बनना शुरू हो गए, ये वाइट वाला है इसमें एक सीड पॉट बना हुआ है, ये देखो ये तो ऐड है। ये मेरा जेट प्लांट, ये शेडिंग में एक जेट प्लांट है और एक ये जेट प्लांट, ये देखो तो सुंदर फूल खिला है इतने अच्छे से, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा, इसमें जितनी पत्तियाँ हैं उतने ही फूल हैं, इसमें भी सीड्स बनते हैं, इसके सीड्स एकदम बारीक, ये देखो जैसे इसमें बनना शुरू नहीं हुआ है सीड्स, सब में फूल हैं अभी स्टार्टिंग में फूल, ये जो ये फूल ख़त्म हो गए हैं इसके अंदर बनते हैं सीड, एकदम बारीक एकदम ज़्यादा, जैसे सरसों के दाने भी बहुत बड़े होते हैं, सूजी के दाने, खसखस के दाने, उससे भी बारीक, ब्लैक 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 एकदम, चींटियाँ उठा लेंगी ऐसे। देखो कितने सुंदर खिले पर्पल कलर के, ये देखो ये पर्पल, ये पिंक, ये लाइट पिंक, रानी कलर, बहुत सारा कलर है, देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये डेंथा से फूल के ख़त्म होने लग गए हैं, इसमें फ्लावरिंग आई थी पूरी ख़त्म हो गई, और ये मेरा पिटूनिया पर्पल कलर, दो सेम गमलों में मैं सेम कलर लगा के रखी हूँ। ये देखो इसको तोड़ दिया गया है, ये देखो ये मेरे, ये मॉली जैक का काम है, पूरा तोड़ के ख़त्म किए हैं। ये कितने अच्छे से फूल खिला है, ये गुलाब में भी अच्छे बर्ड्स आना शुरू हुए, ये एक पेनजी, ये देखो ये है स्वीटी फ्लावर, इस फ्लावर का नाम है स्वीटी, ये है स्टार के जैसे फूल खिला है, ये कली आई हुई खिलने वाला है, और इसे मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं। ये देखो ये जेट प्लांट है, बाकी स्ट्रॉबेरी है, ये मोस्ट रोज इसमें फ्लावर आने लग गए हैं, देखो इतना स्वस्थ हुआ है जेट प्लांट।